दोस्तों, क्या आपको पता है पेटीएम की असली मालिक कौन है? क्या वो विजय शेखर शर्मा है या फिर चाइनीज बिलियनर जैक मा है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। पेटीएम एक ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक कंपनी है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट से लेकर मोबाइल रिचार्ज, लाइट बिल पेमेंट, ट्रैवल एंड इवेंट बुकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पेटीएम को 2010 में विजय शेखर शर्मा ने स्टार्ट किया था और वरुण श्रीधर इस कंपनी के करंट सीईओ है। इंडिया में पेटीएम ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया कि आजकल आपको छोटे से छोटे ठेले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स में हर जगह पेटीएम का क्यूआर कोड मिलेगा। पेटीएम का करंट वैल्यूएशन $16 बिलियन है और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। पेटीएम में कई कंपनीज के शेयर है और ये सभी नाम काफी जाने पहचाने हैं। सबसे पहले कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जिनके पास पेटीएम के 14.67% के शेयर्स है। चाइनीज फर्म एंड फाइनेंशियल्स के पास 29.71% शेयर्स है। सॉफ्टबैंक विजन फंड के पास 19.63% शेयर्स है। सेफ पार्टनर्स के पास 18.56% शेयर्स है और बर्कशायर हैथवे यानी जिसके सीईओ वॉरेन बुफे है, उस कंपनी के पास पेटीएम के 2.76% शेयर्स है। AGH के पास 7.18% है और बाकी कंपनीज के मिला के 7.49% शेयर से। ये है पेटीएम का शेयर डिवीजन। इसमें सबसे ज्यादा शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स के पास है, क्योंकि 2015 में चाइनीज बिलियनर जैक मा की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और एंड फाइनेंशियल्स अलीबाबा ग्रुप के अंडर ही आता है। पेटीएम इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हुआ और जिसकी वजह से इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि जैक मा और वॉरेन बुफे को अट्रैक्ट किया है। 2016 में पेटीएम को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पेपर मनी सर्कुलेशन कम करने के लिए डिजिटल मनी को ज्यादा प्रमोट किया था, जिसके चलते अचानक से पेटीएम पर करोड़ों यूजर्स बढ़ गए और कई बिजनेस डील्स पेटीएम को मिलने लगे। जैक मा और विजय शेखर शर्मा पहली बार 2014 में मिले थे। वो ये डिस्कस करने कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विस का फ्यूचर क्या होगा, जिसको पुश देने के लिए अलीबाबा के सब्सिडरी कंपनी एंड फाइनेंशियल्स ने पेटीएम में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 30% शेयर्स अपने नाम कर लिए। जैक मा और विजय शेखर शर्मा जी में काफी अच्छी केमिस्ट्री हुई, जिसके चलते इन दोनों ने मिलकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर एक नया रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया। इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे की कंपनीज को ग्रो करने में काफी हेल्प की, जहां अलीबाबा ग्रुप पेटीएम को इंडिया के ई कॉमर्स जायंट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को टक्कर देने के लिए सपोर्ट कर रहा था, वहीं पेटीएम अलीबाबा ग्रुप को ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट अमेज़न को टक्कर देने के लिए मदद कर रहा था। वैसे ही जहां जैक मा पेटीएम को टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वहीं विजय शेखर शर्मा अलीबाबा को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे। और एक इंटरव्यू में विजय शेखर शर्मा ने ये भी कहा था कि मेरे पास मा है, यानी जैक मा है, और इन्हीं फ्रेंडली रिलेशनशिप और बिजनेस माइंडसेट के चलते इंडिया में एक डिजिटल एरा शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में पेटीएम और क्या क्या एडवांसमेंट या फिर रिवॉल्यूशन लाएगा, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको विजय शेखर शर्मा और जैक मा की ये दोस्ती कैसी लगी वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।